देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आमिर। अब लव जिहाद के मामले पर योगी सरकार और असदुद्दीन आमने सामने हैं और वहीं योगी सरकार ने जहां जौनपुर में एक सभा में लव जिहादियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा था अब सुधर जाएं वरना उनका राम राम सत्य होना निश्चित है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि इनको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है और संविधान इनको जानना जरूरी है। और वहीं इन्होंने अब जो मुसलमानों के खिलाफ यूपी में नफरत पैदा करने का काम कर रही है योगी सरकार, और असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ये भी कहा है कि बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है इसलिए ये परेशान है। अब ये यूपी से मुद्दा पहुंच के बिहार तक पहुंच रहा है। आइए सुनाते हैं पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए क्या कहा। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्म वेश में चोरी छुपे नाम छुपा करके स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यह है कि हम हर बेटी को हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है, और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे। भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है, फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज़ ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से कॉन्स्टिट्यूट लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।